आज मैंने पेट संबंधी रोगों के लिए गैस कब्ज आपके पेट में कई समस्या है तो उसके लिए मैंने सिर्फ 5 आसन आपको बताने वाला हूँ। इस 5 आसन से आप आपके पेट संबंधी जो भी रोग है वो आप ठीक कर सकते हैं। आपका नाभि डिग गया, आपके पेट में गैस बनता है, आपके जो है अफरा बनता है, ये सारे आपको हजम नहीं होता है, तो उसके लिए आप ये 5 आसन को प्रत्येक दिन करना है। सबसे पहले मित्रों हमको क्या करना है, ऐसे दंडासन में बैठना है। बैठने के बाद उसके बाद हमको क्या करना है, अभी पहला आसन करेंगे उत्थान पादासन। देखिए कैसे करते हैं, धीरे धीरे हमको क्या करना है, ऐसे लेट जाना है। लेट कर सीधे होकर दोनों पैर को 30 डिग्री पर रखना है, ऐसी प्रकार। इसी प्रकार हम दूसरा आसन करेंगे, इसका नाम है नौकासन। देखिए नौकासन कैसे करते हैं, धीरे धीरे हम क्या करेंगे इसको, इसी प्रकार आपको 1-2 मिनट 3 मिनट तक रहना है, धीरे धीरे वापस आना है, तो आपके जो ये पेट है ये बहुत स्ट्रांग होगा, अच्छा रहेगा। फिर हम तीसरा आसन करेंगे, अभी पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आकर आसन। देखिए कैसे करते हैं, इसी प्रकार हमको क्या करना है, दोनों पैर को पकड़ना है और ये जो अंगूठा है नाक से पीछे लगाना है, इसी प्रकार जब हम लगाएंगे तो हमारे जो नाभि संबंधी रोग है ये दूर हो जाता है। नेक्स्ट आसन मित्र कंधरा आसन है, इसको शतुबंध आसन भी बोलते हैं। ये आसन बहुत उत्तम है पेट के लिए, दोनों पैर को ऐसे पकड़ के बीच के भाग को ऊपर उठाना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुराने हैं, क्रोनिक है, पेट संबंधी रोग है, तो आप 1-1 मिनट तक ऐसे होल्ड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा आसन है, ये 5वां आसन है, पवन मुक्त आसन। श्वास को बाहर निकल कर दोनों पैर को मोड़ के नाक को लगाना है पैर घुटने से। ये बहुत उत्तम है गैस के लिए, कब्ज के लिए, एसिडिटी, आपके पेट संबंधी जितने भी रोग है ये बहुत फायदा करता है। तो आप ये आसन को आप 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है पेट में, गैस संबंधी रोग है, कब्ज है, तो आप ज़्यादा समय करेंगे बारी बारी से। तो मित्र ये 5 आसन आप करेंगे तो आपके पेट संबंधी सब रोग दूर होंगे। तो ये आसन करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जिनको हर्निया है उनको पीछे झुकने वाला आसन नहीं करना है, जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है उनको आगे झुकने वाला आसन नहीं करना है। और मित्र ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि उनको कोई फ़ायदा मिल सके। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल है हेल्थ इज़ लाइफ, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।